एक्ट्रेस निया शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्य एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, कैट फाइट इनकी चल रही है और वो फाइट किस बात को लेकर है आपको बताने वाली हूँ। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों बरसात की तरह एक दूसरे पे बरस रहे हैं। क्या कुछ बात है आपको बताने वाली इस वीडियो में, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल टेली फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट को जानिए और अपडेटेड रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं टेली फिल्म्स। देवोलीना भट्टाचार्य आरोप लगा रही है निया को। जी हाँ दोस्तों, देवोलीना भट्टाचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं। अभी जो पर्ल का केस चल रहा है उस पर भी उन्होंने बोला है कि क्यों नहीं इतना ही ज्यादा सबको फिक्र हो रहा है तो वो कैंडल मार्च निकाले। वही निया शर्मा को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आया, उन्होंने भी ट्वीट किया और बोला दीदी को समझ नहीं आता कि अभी पैंडेमिक चल रहा है इसलिए नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने उनके रील्स पे जो वीडियो बनते हैं, म्यूजिक वीडियो, उस पर भी कॉमेंट कर दिया। उन्होंने कहा उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पैथेटिक उन्होंने डांस का बता दिया। जी हाँ दोस्तों, पैथेटिक बोल दिया उनके डांस को लेकर। वहीं से देवोलीना भट्टाचार्य अपना रिएक्शन देते हुए निया शर्मा पे बोलती हैं कि छोटी को क्यों नहीं समझ आता, वो अपने फोटोशूट पे ध्यान दे और उनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही। ये दोनों का जो कैट फाइट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रतिरोप लगा रहे। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं ये कैट फाइट कहां तक चलती है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, निया शर्मा को या फिर देवोलीना भट्टाचार्य को? दोनों एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि आप फोटोशूट पे ध्यान दो और कोई बोल रहा है कि आप म्यूजिक जो वीडियो बनाते हो उस डांस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस की जरूरत है। सो आपको कौन यहाँ पे सही लगता है या फिर आप किसको सपोर्ट करते हैं, हमें नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टेलीफिल्म से बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।